शिक्षा पूर्ण करके अब सारे शिष्यों का गुरुकुल से प्रस्थान करने का समय आ गया था। मणिकंठा चाहते थे अपने आचार्य को कुछ उपहार दें, इसीलिए वो मधु और फल एकत्रित करने घने वन में चले गए। हे माता प्रकृति, हे महान वृक्षों, कुछ मीठे फल प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप सभी को अनेकों धन्यवाद। मणिकंठा, तुम तो गुरु दक्षिणा में भी सबसे आगे हो। हाँ, तुम्हारी पोटली और पात्र हम सभी से सबसे बड़ी है। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी गुरु दक्षिणा स्वीकार करें और मुझे आदेश दीजिए कि गुरु दक्षिणा में मैं क्या प्रस्तुत करूं। तुम इतना हट कर रहे हो तो मैं इन्हें स्वीकार करता हूं पुत्र मणिकंठा, किंतु मुझे इससे अधिक गुरु दक्षिणा में और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे गुरु को सांसारिक सुख प्रदान करने वाली किसी वस्तु में कोई रुचि नहीं है। गुरुदेव, जैसे शिष्य को शिक्षा देना एक गुरु का धर्म है, वैसे ही गुरु की हर आवश्यकता को पूर्ण करना एक शिष्य का। आप मुझे बताइए गुरुदेव, क्या कष्ट है आपको? और कुछ नहीं पुत्र मणिकंठा, तुम सभी की शिक्षा पूर्ण होते देख रह रहकर मेरे सामने मेरे पुत्र सर्वोत्तम का मुख आ जाता है। मेरे लिए तो जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही होता, वो भी सामान्य बालकों की भांति शिक्षा प्राप्त कर पाता, किंतु नियति के आगे सब विवश है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य रहे हो, इसलिए तुमसे ये गुरु दक्षिणा स्वीकार करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव सर्वोत्तम कहाँ है? जब से हमारी परीक्षा समाप्त हुई है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब से उसे ज्ञात हुआ है कि तुम लौट रहे हो, वो मुरझाया बैठा है, कुटिया से बाहर निकलना ही नहीं चाहता। गुरुदेव, एक बार जाने के पूर्व मैं उससे अवश्य मिलना चाहता हूं। प्रणाम गुरुदेव। सर्वोत्तम, 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 कितनी देर से तुम्हारा नाम पुकार रहा हूं, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? बोलो, उत्तर दो। बहुत बोल सकते हो तुम, बस तुम्हें उचित प्रकार से प्रयास करने की देर है। तुम्हें स्मरण है गुरुदेव ने हमें एकाग्रता का पाठ सिखाया था। गुरुदेव ने कहा था कि ओम का स्वर वहां भी ऊर्जा जागृत कर सकता है जहां कुछ भी ना हो। बस तुम पूरी निष्ठा और एकाग्रता के साथ प्रयास करो। मेरा विश्वास करो और ओम बोलने का प्रयास करो, इसमें अपार शक्ति है।
बस तुम अभी बोलने ही वाले हो, बोलो। पेड़ की ऊंची हिलती हुई टहनी पर बैठे पंछी जो होते हैं ना, वो कभी नहीं डरती। पता है क्यों? क्योंकि उसे स्वयं पर विश्वास होता है और अपने पंखों पर। तुम्हें स्वयं पर और तुम्हारे स्वर पर, दोनों पर विश्वास करना होगा। ये तुम्हें शक्ति देगा। पूर्ण विश्वास के साथ एक बार फिर से कहो, ओम। बस तुम बोलने ही वाले हो, एक बार पूर्ण विश्वास के साथ कहो। अति उत्तम, एक बार पुनः कहो। अब कहो, ओम हरि। अब कहो, ओम हरा। ओम रा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। ओम हरा। अब बोलो, ओम हरि हरा। आपने जो उपहार दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद भी कह रहे हो, वो भी बिना मुझे देखे, इसमें कैसा आनंद? प्रभु मैं कैसे देखूं? मैं देख नहीं सकता। असत्य, सर्वथा असत्य है ये। मैं अभी बोलना सीखा आपके कारण, अब से असत्य कैसे कहूंगा? इतने वर्षों से जब मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तुम्हारे नेत्र एक तक मुझे ही देखते थे। आपके दर्शन चाहता था, आपके समान ज्ञानी बनना था ना? तो पुनः प्रयास करो। मैंने कहा था ना, स्वयं पर भरोसा, यही है सफलता की कुंजी। प्रभु आप सामने पर दिखाई नहीं देते। तुम्हें पूर्ण विश्वास है? किंतु माँ, प्रभु को देखकर सर्वोत्तम के मुख से अयप्पा क्यों निकला, जबकि उन्हें ज्ञात था कि प्रभु का नाम मणिकंठा है? क्योंकि जब उसे दृष्टि प्राप्त हुई तो उसने सर्वप्रथम प्रभु विष्णु को देखा और उसने उन्हें अय्या पुकारा, और फिर उसकी दृष्टि प्रभु शिव पर पड़ी, और फिर उसने अप्पा। अय्यप्पा, धन्यवाद प्रभु पानी के लिए। स्वामी शरणमयप्पा। कल्याण हो मित्र। पिताजी,
सर्वोत्तम। पिताजी, ये मेरे प्रभु है अयप्पा। अयप्पा? अयप्पा ये अत्यंत महान है, दयावान है। हाँ पुत्र, प्रभु अयप्पा जो नारायण भी है और शिव भी। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। इस नाम की गूंज मेरे लिए किसी महासंकट की चेतावनी है महारानी। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। प्रभु अयप्पा की जय। ये मुझे आहत नहीं कर सकते। नहीं, नहीं, नहीं। अवश्य उन देवताओं का ही कोई छल है, मुझे भयभीत करेंगे। महासुरी महिषी को कदापि नहीं। ये स्वर्ग मेरा है और मेरा ही रहेगा, महासुरी महिषी का। और अपने इस छल का दंड देवता भुगतेंगे। ऐसा कठोर दंड दूंगी उन्हें कि सच उन्हें उगलना ही होगा। नारायण नारायण, इस दुष्ट को आभास तो हो गया है कि इसका समय अब निकट है। इसके पापों की गागर भरने पर जो इसका वध करने आए हैं वो संपूर्ण रूप से तैयार है, अर्थात नियति ने जो नियत किया है वो होकर रहेगा। नारायण नारायण। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ मित्र। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आज से मुझे उसी नाम से जाना जाएगा जो तुमने मुझे दिया है। अयप्पा, अयप्पा, अयप्पा। प्रभु, कोई भी गुरु आपके जैसा शिष्य पाकर धन्य हो जाए, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा भला और क्या हो सकती है। गुरुदेव, मैं मणिकंठा आज यदि अयप्पा हूँ तो आपके और आपकी शिक्षा का ही फल है। अब अपने शिष्य को जाने की अनुमति दीजिए गुरुदेव। प्रभु, इतना महान कार्य उसका श्रेय ना लेना, यह आपकी दिव्यता ही तो है। मैं स्वयं आपको आपके राजभवन लेकर जाऊंगा। राजकुमार मणिकंठा की जय। 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 राजकुमार मणिकंठा की जय।
राजकुमार अयप्पा की, 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 राजकुमार अयप्पा की। अब आप इन्हें मणिकंठा नहीं अयप्पा पुकारिए। अयप्पा गुरुदेव, ये क्या? जब से बड़े राजकुमार मणिकंठा आए हैं, छोटे राजकुमार राजराजन को तो कोई देख ही नहीं रहा है। अरे इन पर भी तनिक ध्यान दीजिए, ये भी इस परिवार का भाग है। अनुज, मेरे अनुज, मेरे अनुज, मेरे भ्राता, मिल लो, जितना गले मिलना है मिल लो, आलिंगन भी कर लो, लेकिन अब इस परिवार में कोई एक दूसरे के गले नहीं मिलेगा, ये मैं सुनिश्चित करूंगा। मैं सच्चे ज्ञान का प्रकाश न केवल व्यक्ति की अंतरात्मा को प्रकाशित करता है, बल्कि उसके संपर्क में आने वालों को भी प्रकाशित कर देता है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.